Hello friends, welcome to my channel and a very very good afternoon to all of you. तो आज है 4th of August, तो आज मेरा ये vlog मैं afternoon time से start कर रही हूँ. हमारे घर में आज dinner के लिए हमारे friends आने वाले हैं. मैंने आपसे मेरे पिछले vlog में कहा था कि वो बहुत ही हमारे close friends हैं और वो लोग यहाँ से जा रहे हैं. तो बस अभी last meeting है, तो वो लोग आएंगे dinner के लिए. तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है. तो मैं क्या क्या बनाऊंगी, मैं वो मेनू आपसे शेयर कर लेती हूँ, फिर हम कुकिंग के लिए चलते हैं. तो मैंने जो मेनू मैंने सेट किया है उसमें स्टार्टर में है चिली चिकन ड्राई और फिश हरियाली कबाब. मेन कोर्स में चिली फिश, वेजिटेबल फ्राइड राइस, इसके अलावा जीरा राइस, दही काली मिर्च मुर्ग और मसाला पनीर. तो ये मेनू है आज के डिनर की. तो बस अभी से मैं कुकिंग स्टार्ट कर देती हूँ. तो यहाँ पे मैं जो करूँगी, यहाँ पे फर्स्ट मैं चिली फिश के लिए फिश को मैरिनेट कर लूँगी. तो मैंने यहाँ पे तेलापिया फिश जो होता है बोनलेस, तो उसके फिले मैंने लिए हैं. तो ये करीब 450 ग्राम है. मैंने दे दिए है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून के करीब मैदा, 1 अंडा मैंने यहाँ पे यूज किया है. यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट बना के रख दिया था. तो 2 टीस्पून के करीब, थोड़ा सा ज्यादा. टोमेटो केचप, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये ऑप्शनल है. सोया सॉस, डार्क सोया सॉस. ये है रेड चिली सॉस, ये बिल्कुल थोड़ा सा मैंने यूज किया है क्योंकि ज्यादा तीखा मैंने नहीं किया. और थोड़ा सा विनेगर, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग. तो बस इसको अच्छे से मिक्स करके मैं अभी फ्रिज पे रख दूंगी. मैंने 1-1.5 आवर के लिए मैंने फ्रिज पे रख दिया था. अभी यहाँ पे मैं चिली चिकन ड्राई के लिए चिकन को मैरिनेट कर लूंगी. यहाँ पे है बोनलेस चिकन. सेम प्रोसेस है जैसे मैंने चिली फिश को मैरिनेट किया था, सेम प्रोसेस है. कॉर्नफ्लावर, मैदा, एग, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, डार्क सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, टोमेटो केचप, थोड़ा सा रेड चिली सॉस. यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली सॉस एक्स्ट्रा ऐड किया है, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग और जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट और लास्ट में विनेगर. बस इन सारी चीजों को देके अच्छे से मिक्स कर लेंगे. उसी तरह से मैं इसको भी मैरिनेट करके रख दूंगी. जितनी देर तक ये मैरिनेट होते रहेंगे उतना अच्छा है. इसको मैं बाद में फ्राई करूंगी, तो मैंने फ्रिज पे रख दिया. और मैं यहाँ पे पनीर मसाले की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है. मैंने पनीर को ऐसे बड़े पीसेस में कट कर लिए हैं. यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का ऑनियन लिया है, इसको ऐसे क्यूब्स में कट करके मैं रख दूंगी. ऑनियन, कैप्सिकम, ग्रीन बेल पेपर या कैप्सिकम को मैंने ऐसे क्यूब्स में कट करके रख दिए हैं. और जिंजर को मैं ऐसे जूलियंस में कट करके रख दूंगी.
पनीर को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे हल्दी और नमक देके। मैंने जो ऑनियन और कैप्सिकम कट करके रखे थे क्यूब्स में, उनको मैं फ्राई कर लूंगी। फ्राई करके उसको एक साइड रख दूंगी, उसका मैं बाद में यूज करूंगी। और जो अदरक को जूलियंस में काट के रखे थे उसको भी मैं फ्राई करके रख दूंगी। पनीर को भी फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके थोड़ा सा गुनगुना पानी में मैं पनीर को रख दूंगी। पनीर को ऐसे गुनगुना पानी में रखने से वो काफी ज्यादा सॉफ्ट रहते हैं। यहाँ पे मैंने फ्राइंग पैन पे थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा घी दे दिया है। उसमें होल स्पाइसेस दे दिए हैं, लौंग, इलायची, सूखी लाल मिर्च, दालचीनी और ब्लैक पेपर। इसके बाद उनको थोड़ा सा भून के, जो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बना के रखा था, अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का, वो मैंने दे दिया है। बस इसको अच्छे से भून लेना है। फिर मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के प्याज को चॉप करके रखा था, वो मैंने दे दिया। अच्छे से फ्राई करके, जब प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए, पिंकिश कलर उसका आ जाए, उसके बाद टमाटर देनी है। अच्छे से टमाटर को मिक्स करके थोड़ी देर ढकना है। फिर ढक्कन खोल के उसको मिक्स करके मैंने यहाँ पे मसाले ऐड कर दिए हैं, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर। बस इसको अच्छे से मिक्स करना है। मसाले अगर ड्राई लगे तो थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पे वो पानी यूज किया है जिसमें मैंने पनीर को सोक करके रखा था। बस अभी मसाले को अच्छे से कुक होने देना है। यहाँ पे मेरे मसाले अच्छे से कुक हो गए हैं, क्योंकि उससे ऑयल रिलीज होना स्टार्ट हो गया है। इसके बाद मैंने दही को अच्छे से फेंट के दही ऐड कर दिए हैं। अच्छे से मिक्स करना है। जब अच्छे से मिक्स हो जाए हम पनीर ऐड कर देंगे। उसके बाद जो मैंने प्याज, कैप्सिकम और अदरक को काट के फ्राई करके रखा था वो मैंने ऐड कर दिया। अच्छे से मिक्स कर लिया। ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। कुछ देर ढक के रखेंगे, फिर देखेंगे जब तेल रिलीज, ऑयल रिलीज हो रहा है। थोड़ा सा चीनी मैंने ऐड कर दिया है, ग्रीन चिली और लास्ट में कसूरी मेथी मैंने रब करके ऐड कर दिया है। थोड़ा सा गरम मसाला अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में कोरिएंडर देके इसको थोड़ा सा स्टैंडिंग टाइम देना है, तो हमारा पनीर मसाला रेडी है। नेक्स्ट मैं बनाऊंगी चिली फिश। यहाँ पे फ्राइंग पैन पे मैंने तेल देके, तेल जब मीडियम हॉट हो जाए तब हमें ये जो मैरिनेटेड फिश है इनको हम दे देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम में रख के इसको कुक करना है, नहीं तो ये जलने के चांसेस रहते हैं। थोड़ा सा तेल और ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने गार्लिक और जिंजर को चॉप करके रखा है, इनको फ्राई कर लेंगे। ऑनियन क्यूब्स दे देंगे। यहाँ पे एक लार्ज साइज का ऑनियन मैंने लिया है, क्यूब करके मैंने काट के रखा था। सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। ग्रीन बेल पेपर मैंने ऐड कर दिए हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सोया सॉस मैंने मैरिनेशन के टाइम भी यूज किया था, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा यूज कर रही हूँ। टोमेटो केचप, रेड चिली सॉस, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, बस अच्छे से मिक्स करनी है। चिली फिश में मुझे ग्रेवी रखनी है, तो जो मैरिनेटेड लिक्विड था मैंने उसी को ग्रेवी के लिए यूज किया है। थोड़ा सा गर्म पानी मैंने ऐड करके कुछ देर के लिए ढक के रखा है। मेरा ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी है। मैंने थोड़ा सा टोमेटो केचप ऐड किया है, थोड़ा सा चीनी। अच्छे से मिक्स करके फिश के पीसेस को ऐड कर देंगे।
यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लावर में पानी मिक्स करके एक स्लरी बनाया है, वो मैंने ऐड कर दिया है। थोड़ा सा हनी मैं ऐड करूँगी, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। मैंने यहाँ पे चीनी और हनी दोनों यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में ब्लैक पेपर, स्प्रिंग ऑनियन और ग्रीन चिली देके इसको गार्निश कर लेंगे। यहाँ पे मैं हरियाली फिश कबाब के लिए फिश को मैरिनेट कर लूँगी। तो मैंने कोरिएंडर लीव्स को उसका पेस्ट बना लिया है, इसमें जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड किया, दही, इन सारी चीज़ों को देके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट ऐड कर देंगे, जो फिश मैंने चिली फिश के लिए यूज़ की है सेम फिश मैंने यहाँ पे भी यूज़ की है। तो फिश के पीसेस को देके अच्छे से हम इस बैटर में मिक्स कर लेंगे और इनको रख देंगे। अभी मैं चिकन की प्रिपरेशन कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई होल स्पाइसेस ले लिए हैं, वो मैं स्क्रीन पे आप लोगों को लिख दूंगी क्या क्या मैंने लिया है। इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है, इसके बाद इसका पाउडर बना लूंगी। और यहाँ पे चिकन में मैंने स्लिट्स बना लिए हैं ताकि जो भी मसाले मैं ऐड करूँ उसके अंदर तक वो जाए। तो अभी मैं चिकन मैरिनेट कर रही हूँ। मैंने जो मसाले रेडी किया है वो मसाला मैंने ऐड किया, ब्लैक पेपर, दही, सॉल्ट और जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का जो पेस्ट बना के मैंने रखा था वो मैंने ऐड कर दिया है, थोड़ा सा जीरा पाउडर। बस इनको अच्छे से मिक्स करके मैं हाफ एन आवर के लिए इसको ढक के रख दूंगी। अभी मैं यहाँ पे वेज फ्राइड राइस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने फ्राइंग पैन पे तेल और घी दोनों दिया है, दोनों देके ये गार्लिक क्लोव्स है इसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद वेजिटेबल्स पे मैंने यहाँ पे कैरेट और बीन्स लिए हैं, इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड कर दिया मैंने, और ये मैंने हाफ ग्रीन बेल पेपर लिया है जिसको मैंने चॉप करके रखा था, वो भी मैंने ऐड कर दिया। और यहाँ पे कुक्ड राइस है, मैंने राइस ऑलरेडी बना के रखे थे तो बस वो ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने लाइट सोया सॉस का यूज़ किया है, ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली सॉस, बस इन सारी चीज़ों को देके अच्छे से मिक्स करनी है। और राइस को, फ्राइड राइस जब भी हम बनाते हैं हमें हमेशा जब हम चलाते हैं नीचे से अगर हम चलाएं तो जो राइस है वो टूटते नहीं है, तो इसीलिए मैं नीचे से मिक्स करने के टाइम पे ऐसे नीचे से मैं मिक्स कर रही हूँ। इस तरह से मिक्स करेंगे तो राइस टूटेंगे नहीं। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करनी है। थोड़ा सा सोया सॉस मैंने ऐड किया है, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, क्योंकि मैंने नेक्स्ट टाइम सेकंड बैच पे भी मैंने राइस ऐड किए थे तो वो मसाले भी मैंने और थोड़ा सा ऐड कर दिया है। और लास्ट में स्प्रिंग ऑनियन देके थोड़ा सा मिक्स करके बस रेडी है हमारा वेज फ्राइड राइस। अभी मैं बनाऊंगी चिली चिकन ड्राई। इसके लिए मैरिनेटेड चिकन को मैं फ्राई कर लूंगी। मीडियम टू हाई फ्लेम में फ्राई करनी है ताकि ये जल ना जाए, थोड़ा सा रख रख के हमें फ्राई करना है। मैं यहाँ पे शैलो फ्राई कर रही हूँ क्योंकि ये डीप फ्राई भी होती है, तो मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेके मैंने फ्राई किया है। यहाँ पे कुछ गार्लिक क्लोव्स को मैंने चॉप करके रखे हैं। फ्राइंग पैन पे फिर से मैंने तेल देके वो फ्राई कर लिया, और यहाँ पे ग्रीन कैप्सिकम और ऑनियन को क्यूब्स में काट के रखे थे वो मैं फ्राई कर लूँगी। ये जब मीडियम फ्राई हो जाए हम चिकन पीसेस को ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
उसके बाद एक एक सॉस हम ऐड करेंगे, सोया सॉस, टोमेटो केचप, रेड चिली सॉस, ब्लैक पेपर, इन सारी चीज़ों को देख के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में स्प्रिंग ऑनियन देके बस इसको गार्निश करना है। रेडी है हमारा चिली चिकन ड्राई। और अब मैं बनाऊंगी दही काली मिर्च मुर्ग। इसके लिए मैंने तेल पे जिंजर गार्लिक को ग्रेट करके रखा था, वो मैंने दे दिया फ्राई हो जाए। यहाँ पे मैंने ऑनियन चॉप करके रखे थे पिंकिश होने तक, हम इसको जब इसका कलर पिंकिश हो जाए तब तक हमें फ्राई करनी है, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैरिनेटेड चिकन मैं ऐड कर दूंगी। बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको और कुछ नहीं करना है, बस रख रख के कुक करनी है, क्योंकि दही से भी पानी रिलीज होती है तो हमें थोड़ा पेशेंटली करना है। इसके अलावा इस चिकन में और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। बस मैं थोड़ी देर बाद बाद इसे चलाते रहूँगी, क्योंकि अदरवाइज ये नीचे लगने के चांसेस रहते हैं। तो जब ये अच्छे से कुक हो गए हैं, जो मसाला मैंने बनाया था उसका हाफ मैंने ऐड किया था मैरिनेशन के टाइम पे, और बाकी मसाला मैंने अभी ऐड किया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी मैं दे दूंगी। कुछ देर तक ढक के रखेंगे। लास्ट में गरम मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, क्योंकि ये काली मिर्च चिकन है तो ब्लैक पेपर थोड़ा सा ज्यादा जाता है, कसूरी मेथी, इन सारी चीजों को देके एक अच्छी मिक्स दे देंगे। यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा चीनी ऐड किया है, ये ऑप्शनल है। ये मैंने इसीलिए ऐड किया है क्योंकि यहाँ पे दही है तो खट्टापन ज़्यादा ना लगे, इसलिए मैंने लास्ट में थोड़ा सा चीनी ऐड किया है। और बस ग्रीन चिली और कोरिएंडर देके इसको फिनिशिंग टच दे देंगे। मेरा चिकन भी रेडी है। और ये अभी लास्ट जो डिश है मैं बना रही हूँ, इसको कुछ नहीं करना है, जस्ट मैं शैलो फ्राई करूँगी फ्राइंग पैन पे ऑयल देके। मैंने इस कबाब में, हरियाली कबाब में, बहुत कम चीज़ें यूज़ की है। यहाँ इसको, इसके बाइंडिंग के लिए हम इसमें बेसन भी दे सकते हैं, तो मैंने बेसन का आज यूज़ नहीं किया है। मैंने सिर्फ, आपने देखा है जिस तरह से मैंने मैरिनेट किया है, तो उसी प्रोसेस में मैंने की है। सिंपल वे में आप बना सकते हैं, ये काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में। हमारे फिश भी अभी रेडी है और हमारे फ्रेंड्स भी कुछ देर बाद वो लोग आ जाएंगे। आ गए सब, हम बस डिनर के लिए बैठ गए। रोहन बहुत बहुत खुश है। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे एक लाइक कीजिए, और मेरा चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ बहुत ही जल्द मेरे किसी नए वीडियो या ब्लॉग को लेके। तब तक के लिए सब बहुत बहुत अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, सी यू एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स।